आप सबके माध्यम से बहुत बड़ी सोग ये कहना चाहता हूँ पंजाब की जनता को कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ी सौगात हमारे पंजाब को मिली, और पंजाब को ही नहीं तो पूरे देश में एक तरह से विकास की गंगा बहा दिया है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। रोडों का सवाल, ट्रेनों का सवाल, सभी तरफ विकास की गति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और आज ही खाली अमृतसर नहीं, अमृतसर दिल्ली का सवाल नहीं है तो कम से कम आज 8 ट्रेन, ऐसी 8 सुपरफास्ट ट्रेन, बहुत अच्छी ट्रेन आज शुरू हुई है। ये सही में बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। उन्हें आपके माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। रैक्स भी सारे टोटल स्टील के बने हैं, वाईफाई है, धुंद च चल सकती है। और गुरु नगरी के तुम पता कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, और टूरिस्ट मध्यम वर्ग के टूरिस्ट आते बड़ी वाधे की गल है कि उन्होंने फ्लाइट लैन की लड़ नहीं है, इसे तो सफर कर सकते हैं। और मत्था टेकना हरिमंदर साहब सारे गुरुधामों आ सकते हैं, राम तीर्थ है, साढ़े दुर्गणा तीर्थ है, और अनेक साढ़े गुरु पवित्र नगरी जी बड़ी तपस्या हुई है इस नगरी के धरती के उ सारे लोग इतने आ सकते हैं। अब बच्चे भी छोटे देखो, उन्होंने बच्चे भी आए हैं, बड़ा चा है। सो ये उपलब्धियां ता ही होंगे ने जो परमात्मा की मेहर होवे, असी तो गलत रखनी होंगी है, पर शुक्रिया करते कि सरकार ने साडी गल मन्नी है और ये ट्रेन सानू दित्ती है। शहर वासियों नू नवे साल का बहुत बहुत बधाइया, तो नवे साल वंदे भारत का तोहफा जिहड़ा शहर वासियों नू मिल जा रहा, इहदियां आप सब नू ते समुचे कायनात नू बधाई। ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਐਮ ਪੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੇਅਰਸ, ਕਿਸੇ 5-star ਹੋਟਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਰੋਹਤ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ? ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ? ਮੋਦੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।